गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए ट्वेल्थ क्लास RBSE के लिए हमने कल की क्लास में चैप्टर 17 को स्टार्ट किया था, एंड दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंगे। बच्चों, कल की क्लास की अगर हम बात करें तो कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो संचरण है वो किस प्रकार से होता है, यानी वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट यानी किसी भी अक्ष के अनुदिश किस तरह से गति करती है, इनके बारे में भी हमने बात की थी। और विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उनके कुछ गुण धर्म के बारे में भी हमने कल की क्लास में बात की थी। अब देखिएगा, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल की समीकरणें। बच्चों, अगर मैक्सवेल की समीकरणों के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये हम किस रूप में पढ़ेंगे, समाकलन रूप में पढ़ेंगे। अब देखिएगा कि जो मैक्सवेल की समीकरणें हैं वो किस तरह से डिफाइन होती हैं, यानी मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिजिक्स का लगभग मोस्टली पार्ट, चाहे वो स्थिरवैद्युत की हो या विद्युत चुंबकीय हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, उनको चार समीकरणों के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की समीकरण, ठीक है ना। तो देखिएगा, सर्वप्रथम मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबक के सभी नियमों को गणितीय सूत्र द्वारा गणितीय सूत्रों के रूप में लिखकर हल करने की कोशिश की। अतः उन्होंने चार गणितीय समीकरणों द्वारा विद्युत व चुंबक के गुणों की व्याख्या की, जिन्हें मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। तो बच्चों, मैक्सवेल ने सर्वप्रथम जो चुंबकत्व है या चुंबक और विद्युत है उनके गुणों को अध्ययन करके और उनको गणितीय रूप में समीकरणों द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है, और उन्होंने इसको लगभग एक्सप्लेन भी कर दिया और उन्होंने चार समीकरणें बनाई, ठीक है। उन समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की समीकरण, ठीक है। अब देखिएगा, मैक्सवेल की जो समीकरण है उनके बारे में हम बात करते हैं कि मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है वो कौन सी होती है। तो देखिए, फर्स्ट समीकरण के बारे में बात करें उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए
गाउस का, गाउस की प्रमेय, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस की प्रमेय। बच्चों हमने गाउस के बारे में पढ़ा था कि गाउस क्या होता है। उन्होंने एक नियम दिया था कि किसी भी बंद बंद परिपथ से जो फ्लक्स का मान होता है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी ए के, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या हो गया, इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ से विद्युत फ्लक्स का मान उस क्षेत्र से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब बंद, उस क्षेत्र से परिबद्ध आवेशों के योग, यानी समेशन ऑफ क्यू, आवेशों के योग एवं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते थे बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट यानी माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के अनुपात के बराबर होता है, कि बराबर होता है। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें कि जो समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी सभी आवेश का योग, वो किसके बराबर और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होता है, किसी बंद परिपथ से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। E डॉट डी ए किसको नोट करता है, किसी भी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स से, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। यहाँ पर S है, ये जो S है वो किसको दर्शाता है, सरफेस एरिया को। यानी देखिएगा, किसी बंद परिपथ से विद्युत फ्लक्स का मान, यानी ये बंद परिपथ का हो गया विद्युत फ्लक्स, यानी E डॉट डी ए, आपको पता है विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, E डॉट डी ए का मान उस क्षेत्र में परिबद्ध आवेशों के योग, यानी उस क्षेत्र में जितने आवेश हैं उन सभी का योग एवं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो फ्लक्स का मान है वो किसके बराबर होता है, सभी आवेशों तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, गाउस की प्रमेय, ठीक है ना, स्थिर आवेश के लिए गाउस की प्रमेय, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं, ये तो विद्युत क्षेत्र के लिए हो गया, दूसरा हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करते हैं। तो सेकंड देखिएगा, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस की प्रमेय, यानी जो पहले वाला था वो किस था, विद्युत क्षेत्र के लिए था, अब किसके बाद बात करेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है देखिएगा, अगर हम स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, देखिएगा हमेशा फ्लक्स बंद पृष्ठ से ही कंसीडर करेंगे, किसी बंद पृष्ठ से कुल चुंबकीय फ्लक्स
फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है, यानी अगर हम बात करें इसको बी डॉट डी ए, बच्चों ये बी डॉट डी ए किसको दर्शा रहा है, बंद पथ परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स का मान, ठीक है ना। बी किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र, और डी ए यानी पर यूनिट एरिया से यानी क्षेत्रफल से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो यानी बी डॉट ए है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन टू बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये बी डॉट ए शून्य क्यों होता है, अगर हम बात करें, देखिएगा अगर किसी भी बंद परिपथ है, मान लेते हैं ये कोई बंद परिपथ है, इसके अंदर अगर आवेश रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू, इस तरह से अलग अलग आवेश रखे हैं, तो बच्चों बंद परिपथ का जो कुल आवेश है वो कितना होगा, देखिएगा प्लस और माइनस कैंसिल कर देंगे, केवल टू क्यू बचेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होगा, ई डॉट डी ए, ये कहता है विद्युत क्षेत्र का नियम, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करें यानी विद्युत क्षेत्र, तो ई डॉट डी ए के बराबर होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है टोटल आवेश, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे इस पथ के आप अंदर चुंबक रखेंगे, अब चाहे आप एक चुंबक रखें या पांच चुंबक रखें, इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, प्रत्येक चुंबक के लिए क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी एक पोल का चुंबक संभव नहीं है, यानी नॉर्थ और साउथ आपस में विपरीत प्रकृति के होते हैं, इस तरह से नॉर्थ और साउथ आपस में कैसी प्रकृति के होते हैं, विपरीत, तो ये सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो उससे जो कुल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो बी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है बी डॉट ए, वो कितना हो जाता है, जीरो। अब देखिएगा अगर इस क्षेत्र में आपने एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल मीन्स ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ से फ्लक्स है ई डॉट ए डी ए, वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये जो डाइपोल है उसके अंदर दो समान आवेश हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कितना है, विपरीत होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिएगा तो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमेशा क्लोज पथ से कितना होता है, शून्य होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि विद्युत भी हमेशा शून्य हो, विद्युत फ्लक्स तभी शून्य होगा जब अगर सब कुल आवेश, यानी यहाँ ध्यान रखना है कि कुल आवेश, अब उसमें प्लस और माइनस दोनों ही कंसिडर होंगे, कुल आवेश का मान शून्य हो तभी क्या होगा, शून्य होगा, यानी सेकेंड नियम है आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये समझाने के लिए था कि चुंबक में, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, दो ध्रुव होने की वजह से, और दोनों की प्रकृति क्या होती है, एक दूसरे से विपरीत होती है, और दोनों ध्रुवों का परिमाण भी क्या होता है, समान होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वो एन और एस आपस में मिलके कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अगर बंद परिपथ से विद्युत फ्लक्स का मान है वो शून्य नहीं होगा, ठीक है, वो केवल और केवल इस केस में होगा यदि उसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, यानी द्विध्रुव रखा हुआ है, उस टाइम में जीरो हो सकता है, या फिर जितने भी आवेश हैं उनका जो योग है वो अगर शून्य है तब क्या होगा, शून्य होगा, अदरवाइज वो कभी भी शून्य नहीं होगा, क्लियर। तो हमने दो नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के तृतीय नियम के बारे में, ठीक है। पहला तो था कि स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, दूसरा था स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं, कि थर्ड को बोलते हैं फैराडे व हेनरी का नियम, और फैराडे और हेनरी के अनुप्रयोग तो आप पढ़ चुके हैं, आपके नाइन्थ चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि फैराडे और हेनरी का नियम क्या कहता है, ठीक है। अब देखिएगा फ्लक्स के लिए अगर यहाँ, सॉरी
मैक्सवेल की समीकरणों में अगर बात करें तो फैराडे और हेनरी का नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि कुल विद्युत वाहक बल, फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि उत्पन्न होने वाला कुल विद्युत वाहक बल वो किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स के, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती। ठीक है, यानी कुल विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ है वो किसके समानुपाती होगा, डी फाई अपॉन ए डी टी। ये क्या कहता है फैराडे का सेकेंड नियम। ठीक है, अगर हम इसमें लेंज का नियम की बात कर दें, ठीक है ना, तो लेंज का नियम क्या कह जाएगा कि ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन ए डी टी। हमने जो कॉन्स्टेंट यूज किया था वो वन होता था, ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो किसका विरोध करती है, अपने कारण का। अब देखिएगा बच्चों, जो फाई होता है वो कितना होता है, बी डॉट डी ए, यही होता है फ्लक्स। अगर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से ईएमएफ कितना हो गया, बी अपॉन डी टी बी डॉट डी ए, ये किसका मान हो गया, फैराडे व हेनरी के नियम का मैक्सवेल के लिए तृतीय समीकरण। ठीक है, अब बी डॉट डी ए ये तो किसके लिए हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो गया। ठीक है, अब अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित है, यानी यहां पर तो बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्षेत्रफल परिवर्तित है, यदि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित है यानी चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदल रहा है, उस केस में अगर हम बात करें तो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, क्लोज सरफेस के लिए डी बी अपॉन ए डी टी डॉट डी ए। ठीक है, तो ये क्या होता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के लिए। इसी तरह से अगर हम परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लिए बात करें तो विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स लिए फ्लक्स, बच्चों विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएल। यानी याद होता आपको कि रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसको दर्शाता है, फ्लक्स को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि E डॉट डी एल वो किसके बराबर होगा, माइनस डी अपॉन डी टी और B डॉट डी ए। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। ठीक है, लास्ट अगर बच्चों फोर्थ समीकरण की बात करें हम, मैक्सवेल की जो फोर्थ समीकरण है उसके बारे में, तो वो क्या होती है देखिएगा, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, यानी एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है वो क्या होती है कि, अब देखिएगा अगर आप एम्पियर के नियम के बारे में बात करें तो एम्पियर का नियम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से बी डॉट डी एल यानी विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो किसके बराबर होता है, म्यू जीरो आई के बराबर होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा यदि परिपथ में
विस्थापन धारा, बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि जो विस्थापन धारा है वो क्या होती है, जिसको हम आईडी से दर्शाते हैं। विस्थापन धारा उत्पन्न है तो कुल धारा का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आई सी प्लस ए आई डी। सी यानी कंडक्टिविटी जो चार्ज की वजह से होती है, और आई यानी डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको डी से लिखते हैं। तो उस केस में देखिएगा ये समीकरण कैसे लिखेंगे हम, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट, आई की वैल्यू को यहाँ से रख लेते हैं हम आई सी प्लस ए आई डी। ये हो गया। अगर विस्थापन धारा का हम फॉर्मूले की बात करें तो विस्थापन धारा होती है, क्योंकि विस्थापन धारा उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एप्सिलॉन रोट डी अपॉन डी टी रोट डी ए। तो इस समीकरण में मान रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डॉट ए डी एल वो कितना हो जाएगा म्यू आई सी, यानी कंडक्टिंग करंट हो गया इनटू म्यू एप्सिलॉन नोट, ठीक है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी अपॉन डी टी डॉट ए डी ए। इन सभी इक्वेशन से हम मान रख लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैक्सवेल एम्पियर समीकरण कहलाती है, ठीक है। यह है, इसको हम नंबर चार देते हैं, यह है मैक्सवेल एम्पियर समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी मैक्सवेल की चार समीकरणें थी, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिएगा ये छोटा चैप्टर है, विद इन थ्री डेज यानी नेक्स्ट थ्री क्लासेस में ये आपका फिनिश हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आप पीडीएफ हैं आप साथ साथ नोट करते रहें। इसके अलावा अगर कोई सी भी क्वेश्चन में, कई बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं साथ साथ, तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में करते रहें। अगर आप एक बुक के अंदर डेरिवेटिव पार्ट करते हैं, बुक का जो नोट करते हैं, तो आप सेकंड नोटबुक के अंदर आप न्यूमेरिकल पोर्शन बना लीजिए, जिसके अंदर आपके बुक के भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, उसके अलावा आपकी जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपना वर्क प्रॉपर रखें, और शायद 21 से आप आ सकते हैं स्कूल पूछने के लिए, अगर किसी को डाउट है तो कोशिश करना अगर आप आने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।